माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी, कैबिनेट मिनिस्टर विधि एवं न्याय उत्तर प्रदेश, परम आदरणीय माननीय न्यायमूर्ति श्री रमेश सिन्हा साहब, सीनियर जज उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश लखनऊ, इस समारोह में उपस्थित हमारे परम आदरणीय न्यायमूर्तिगण, हमारे कार्यकारिणी के सदस्यगण, हमारे सावत बारेश्वर के परम सम्मानित वरिष्ठ अधिवक्तागण, इस अवध बारेश्वर के परम सम्मानित सदस्यगण, हमारे अपर महाधिवक्तागण, हमारे मुख्य स्थायी वक्तागण, केंद्र और राज्य सरकार के समस्त अधिवक्तागण, भाइयों और बहनों, आज हम सबके लिए हर्ष और गौरव का दिन है कि हम सब गोमती नदी के तट पर स्थित तहजीब और अदब के शहर शहरे लखनऊ में अपने चमन के माली और अपने परिवार के मुखिया माननीय मुख्य न्यायाधीश के हार्दिक स्वागत के लिए यहाँ आए हैं। मैं अवध बार एसोसिएशन की तरफ से और अपनी तरफ से आपका बहुत ही हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मेरी जबीने अकीदत सलाम कहती है, कबूल हो कि मोहब्बत सलाम कहती है। अम्बाला शहर में जन्मे माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री राजेश मित्तल जी ने 1985 में एज एन एडवोकेट अपना कार्य पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में प्रारंभ किया। इसके बाद 2006 में उन्होंने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में विधि के क्षेत्र में अपनी अगली पारी की शुरुआत की। लखनऊ उच्च न्यायालय व अवध बारेश्वर के गरिमामय इतिहास के साथ ही लखनऊ शहर का इतिहास में अपना एक विशेष स्थान रहा है और हमारे अवध बारेश्वर का और हमारी लखनऊ उच्च न्यायालय के गरिमामय इतिहास के बारे में मैं महोदय के वेलकम रेफरेंस स्पीच में इसके बारे में कह चुका हूँ, इसलिए मुझे लग रहा है कि शायद इसको हम लोग दोबारा रिपीट नहीं करना है। यूँ तो हमारे उच्च न्यायालय का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है, पिछले करीब 35 सालों में मेरे समक्ष शायद ही मैंने कभी इतना कर्मठ व जुझारू मुख्य न्यायाधीश देखा होगा। आपने अपने एक माह के कार्यकाल में ही आपने जिस स्फूर्ति और समर्पण का परिचय दिया है, उससे यह सुनिश्चित है कि मानवर आपके निर्देशन एवं नेतृत्व में हमारा उच्च न्यायालय एक नया इतिहास लिखने के लिए अग्रसर है। चाहे वो माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय द्वारा जनपद न्यायालयों का औचक निरीक्षण कर अधीनस्थ अदालतों में अनुशासन एवं एक निश्चित कार्यशैली स्थापित किए जाने का उदाहरण हो, या उच्च न्यायालय के परिसर में रात में 10 बजे तक रहकर न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्यों के संपादन का उदाहरण हो, माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा अपनी कर्म निष्ठा का परिचय दिया गया है। माननीय मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री राजेश बिंदल जैसे ऊर्जावान व्यक्तित्व को अपने मुख्य न्यायाधीश के रूप में प्राप्त कर निश्चित रूप से हमारी बार अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही है। माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय अधिवक्ताओं तथा उनकी समस्याओं के प्रति सदैव सजग रहे हैं और उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते रहते हैं। हमारे बहुत से अधिवक्तागण भाई ऐसे कई मामलों में जो विभिन्न न्यायालयों के निर्णयों से कवर हैं और उनके निस्तारण में समस्या का सामना कर रहे थे, हम लोगों द्वारा निवेदन करने पर माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय ने तत्काल ऐसे मामलों के तुरंत निस्तारण हेतु निर्देश दिए तथा उनके निस्तारण की विशेष व्यवस्था की गई। हमारी 120 साल पुरानी इस संस्था अवध बार एसोसिएशन का कार्यालय, जिसके लिए कोई उचित स्थान नहीं था, जो कि बरांडे में चल रहा है, कार्यकारिणी द्वारा निवेदन करने पर माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय द्वारा उचित स्थान देने हेतु एम ब्लॉक ने स्थान प्रदान करने की सहज स्वीकृति प्रदान की है और पहली बार इस इतने विशाल भवन में इस अवध बार एसोसिएशन का कार्यालय के लिए एक अच्छा और उचित स्थान मिलने जा रहा है। आप सबको जानकर अत्यंत हर्ष होगा
की बात करी जो बहुत दूर दूर से हमारे बीच में आते थे, जिनके लिए कोई उचित स्थान यहाँ पर नहीं था, और हमारे अधिवक्ता उनसे मिलने के लिए गेट नंबर 6 पर धूप बारिश और इस गर्मी में जाते रहते थे। माननीय और मुख्य न्यायाधीश महोदय द्वारा इसका संज्ञान लेते हुए एक बहुत ही विशाल कक्ष सभी सुविधाओं से युक्त प्रदान किए जाने का आश्वासन प्रदान किया है। महोदय, वर्तमान में तकनीकी युग है, विधिक क्षेत्र में भी तकनीक में अपना स्थान स्थापित कर लिया है। खासकर जब वर्चुअल कोर्ट सिस्टम न्यायिक प्रक्रिया का अंग बन गया है, ऐसे समय में माननीय उच्च न्यायालय में वाईफाई की सुविधा होते हुए भी बार के सदस्य इससे वंचित हैं। माननीय, मुझे आशा है कि माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय द्वारा इस ओर ध्यान देंगे और शीघ्र ही बार के सदस्यों को वाईफाई की सुविधा उच्च न्यायालय परिसर में उपलब्ध हो जाएगी। महोदय, आपका ध्यान।